बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सिकंदर व्लॉग्स। तो ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर और उसी के ऊपर मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूं। तो ये है जी हमारा गांव, बड़ा देसी सा माहौल है। तो आज मैं पहली दफ़ा इधर बाहर की तरफ निकला हूँ, खेतों की तरफ। तो मैंने सोचा जो जो वीडियो बनानी है वो पहली वो खेतों में बनाई जाए। तो चलो फिर देखते जाएँ। तो आज आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि पहले जो बहुत ज़्यादा इधर बारिशें हुई थी तो उनकी वजह से तो बहुत ज़्यादा जो है ना पानी आया था। ये जो आप पीछे देखे ना देख रहे हैं, हर तरफ पानी पानी था, लेकिन अब कुछ बेहतर हो गया है माहौल। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकला हूँ। और वो शायद आपको पता, वो पीछे कुछ लड़के मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो इसी पानी की वजह से। जब बारिश का पानी इधर जमा हो जाता है तो फिर जो है ना लोग आते हैं इधर मछलियाँ पकड़ने। आज आपको ना लेकर चलता हूँ आगे, उधर कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं और साथ साथ आप देखें। वैसे मेरा जो ये जो चैनल है ना, तो इसका कोई स्पेशल वीडियोस नहीं कि एक ही मौजू पे। मिसाल के तौर पर आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जैसा कि कोई बंदा खाना पका रहा है तो वो खाना ही पकाता चला जा रहा है, और यानी कि एक ही टॉपिक को लेकर चलते जाना। लेकिन मेरे जो चैनल बनाने का मकसद है ना, मैं इसके ऊपर हर तरह की वीडियोज़ जो है ना अपलोड करूँगा आपके लिए। और अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो दूसरी एक बात और कि मैं इधर पाकिस्तान में भी हूँ और मैं दूसरा सऊदी अरब में भी रहता हूँ। तो अभी मेरा एक माह बाकी है, तो कुछ वीडियो मैं इधर बनाऊँगा, तो इसके बाद मैं चला जाऊँगा सऊदी अरब। तो वहाँ आपको वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का माहौल, उसके मतलब मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और आपका बताऊँगा कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। मतलब हर तरह की वीडियो मैं वहाँ बना के अपलोड किया करूँगा। अगर आपने अप्रिशिएट मेरी वीडियो को किया तो फिर, अगर मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँ आपको पसंद ना आए तो इसका जो रिस्पांस है मैं वो देख लूँगा वीडियो के ऊपर। आप लोगों को पसंद आती है, ज़ाहिर है आपको पसंद आएगी तो आप लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और फिर मुझे पता चलेगा कि वाकई जो थोड़ी बहुत मेहनत की है उसका फल मिलना शुरू हो गया है। तो अब मैं आगे आपको चल के दिखाता हूँ, ये इधर लड़के मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ये देखें जी कितने प्यारे फूल से उगे हुए हैं इधर, पानी भी बहुत खड़ा है इधर, और वो लड़के जो है ना वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं इधर। आओगे आओगे, कोई मछलियाँ फड़ियाँ भी जाए के नहीं? चलो मैं आके चेक करना यार, आया मैं। नहीं जी, हम इनके पास चलते हैं लेकिन इधर रास्ता नहीं, वो दूसरी साइड से होके आना पड़ेगा। ये जो हमारा कस्बा है ना, सोहदरा इसका नाम है, और ये उसकी बैक साइड है। उसकी बैक साइड में क्योंकि इधर ऐसी ज़मीनें कुछ पड़ी हुई हैं तो जब भी बारिश होती है इधर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो पानी जमा होने से पहले तो इधर कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बिल्कुल वैसे वीरान ज़मीनें पड़ी हुई थी, और बारिशों की वजह से पानी आने से इधर इतना पानी जमा हुआ कि वो मछलियाँ आ गई हैं और लड़के फिशिंग कर रहे हैं इधर। जो लोग तो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो तो ऐसे धड़ाधड़ बस व्लॉग बना रहे हैं, और मेरा आज का फर्स्ट है। अब देखें इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। दरअसल जितने भी मेरे वो दोस्त हैं उनको अभी किसी को नहीं पता कि मैंने अपना कोई चैनल बनाया वीडियो का, और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ।
कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है इधर, फूल खिले हुए हैं। वैसे जो जो हमारा कस्बा काफ़ी बड़ा है इधर, समझ लें कि एक शहर ही है, लेकिन जो मेरा घर है वो उधर एंड पे है थोड़ा बाहर की तरफ, तो इसलिए अगर मैं अगर सोधरा के अंदर जाऊँ ना तो इधर बहुत ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा घर है। वो देखें जी, वो पूछ रहे हैं किस चीज़ की ये वीडियो बन रही है। ए जी यूट्यूब तो चढ़ानी है, हाँ इंटरनेट जाएगी। की कर दे भाई थे, की कर रहे हो? अच्छा पानी हुन खुशक हो ही गया है। हाँ जी, तो ये वो लोग हैं जी जिनकी इधर ज़मीनें हैं, और पानी खड़ा होने की वजह से अब थोड़ा खुशक होना शुरू हो गया, तो वो अब सफाई कर रहे हैं। सफाई करके ज़ाहर है इधर वो अपनी को खेती बाड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी पड़ी रहनी है। अच्छा ये देखें, अभी तो जाने का रास्ता तो इतना आसान नहीं, लेकिन चलते हैं देखते हैं कितनी मछलियाँ उन्होंने पकड़ी हैं। ये जी हम इनके पास जा रहे हैं, लेकिन इधर रास्ता कोई साफ नहीं है बिल्कुल भी। ऐ तुहाड़ी जमीन है सारी, इतने फायदा तो कोई नहीं, पानी खड़ा हो जाता है, नुकसान है। हाँ जी साल बाद अगे ज्वार भी जी फिर पानी आ गया, कुछ पाई तो कुछ बिच्ची मर गई। सही है हुण करा दी, चलो कोई ठीक हो जाएगी, सर्दियां आ गई ने, कोई ठीक हो जाएगा। नहीं जी आगे इनका लेते हैं अब इंटरव्यू, कितनी कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? 50। हाँ 50। किधर हैं? घर। तो इधर जो पकड़ी हैं वो किधर हैं? उनके पास हैं। कब के आए हुए हो इधर? हम बहुत देर के आए। बहुत देर के आए हो, ये देखें जी शिकारी, कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं? तीन पकड़ी हैं, किधर हैं दिखाओ। ये तो बहुत छोटी छोटी हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ी पकड़ी। चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी कितनी मछलियाँ फड़ियाँ अजे? अच्छा छोटी छोटी मछलियाँ, ये देखें जी मछलियाँ है बहुत छोटी छोटी। बड़ी मछलियाँ नहीं है इधर? बड़ी है, ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक?
किनिया मछलियां फड़िया जाए फड़िया थैला भरे थैला भरे ओ पे दिखाओ जरा पूरा थैला भरे है अज आई पकन दिया दो तीन किलो घर दिती है ओए होए होए ते तुसी कदों दे आए हो सुबह कोई 9:30 बजे दे सुबह 9:30 बजे हुण की टाइम हो गया टाइम वेलो की हो ते इथे बड़ियां मछलियां कोई नहीं बड़ियां नहीं इथे आई अच्छा आई डी डी ने सही दोए सामने ले जो सही हो गया ए केड़ी किस्म है मछलियां दी ए डोला दी मछली है दूसरी है तो देखा आपने कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे इधर वो ये कह रहा था कि हम सुबह आए थे तकरीबन 9 बजे तो 9 बजे के इधर ही हैं मछली पकड़ रहे हैं शौक शौक की बात होती है ना वैसे नहीं तो कौन इतनी टाइम इतने सब्र के साथ बैठ के मछली के लिए धूप में आम बंदे के बस की बात नहीं तो वो कहते हैं ना वैसे भी जो काम अपने हाथ से करके खाया जाए पहले अपने हाथ से कमाओ और फिर खाओ तो उसका मज़ा ही और होता है उन्होंने भी आज सारा दिन लगा के मछलियाँ पकड़ी हैं रात को पकाएंगे और खाएंगे और मज़ा लेंगे ज़िंदगी में वैसे भी इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए आगे वो पीटर चल रहा है उधर जाके अब पहले पौं धोने हैं क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा कीचड़ थी और वो जूते भी मैंने ऐसे पहने हुए थे कि वो चला भी नहीं जा रहा था अब हवा भी चलना शुरू हो गई कमेंट में ज़रूर ये बताइएगा कि जो पहली मेरी वीडियो है यूट्यूब की ये कैसी बनी है इसमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं क्या गलतियाँ की ये आपने ज़रूर बताना चाहिए ताकि जो नेक्स्ट टाइम वीडियो है ना वो मैं बनाऊँगा उसमें वो मज़ीद बेहतरी लाऊँगा तो अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ये देखें जी देसी मोहन वाह जी वाह क्या ठंडा पानी है इधर नहाने को दिल कर रहा है इधर तो अब जूते धोने
जी, तो ये थी आज की मेरी पहली वीडियो जो मैं YouTube के ऊपर अपलोड करूँगा। तो यहाँ भी रहिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।